मलाड में धड़क कामगार यूनियन की शाखा का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में धड़क कामगार यूनियन के संस्थापक अभिजीत राणे और उनके सहयोगी कमलेश भी मौजूद थे। इस अवसर पर अभिजीत राणे के सामने मलाड के रहवासियों ने अपनी समस्या रखी, जैसे युवा वर्ग जिस तरह से नशे की लत का शिकार हो रहे हैं और नशे का सामान बेचने वाले बेखौफ होकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसी तरह रिक्शा चालकों को होने वाली समस्या, असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किए जाना, इस तरह की कई समस्या अभिजीत राणे के सामने रखी गई। इसके जवाब में अभिजीत राणे ने उनकी हर समस्या का पूर्ण रूप से समाधान निकालने की बात की और आश्वासन दिया कि आज से आपकी समस्या मेरी है। पेश है सईद शेख की एक रिपोर्ट। ये जो प्रोग्राम जो है ये धड़क कामगार यूनियन का प्रोग्राम है। हमारे इस मालवनी शाखा में बहुत सारे लोग हैं जिनके पर बहुत जुल्म हो रहा है, यूनियन का मेंबर बनना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत पुलिस स्टेशन बोलो, आरटीओ बोलो या यहाँ के जो कलेक्टर बोलो, ये इन गरीब लोगों को बहुत सताता है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को खास करके और टैक्सी ड्राइवर को खास करके इन लोगों को बहुत परेशानी होता है। तो उनको भी पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से धड़क कामगार यूनियन का काम चालू है अलग अलग जगह में अभिजीत राणे साहब के नेतृत्व में, तो उसके ऊपर से लोगों को पूरा विश्वास है कि यदि इस यूनियन के साथ हम जुड़ेंगे तो हमको मजबूती के साथ हमको मिलेगा। अखा मुंबई में, अखा महाराष्ट्र राज्य के अंदर आज हमारे पास कम से कम 5.5 लाख का मेंबरशिप का कनेक्शन हो गया है और हमारे पास मोर देन 600 कंपनीज, ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, सब हॉकर्स, ऐसा हर यूनिट हमारे यूनिट में मेंबर्स करके हमारे पास आ गया है। मेरा मोहम्मद जुबेर मेहमान है, मैं धड़क कामगार बांध काम का मुंबई अध्यक्ष हूँ। प्लान ये कि यहाँ के जो नौजवान बच्चे जो आज के दिन में जो नशे में जो उदय है, जो हर चोरियाँ हो रही है, जिसमें से हम लोग इस तरह से हम लोग काम करना चाहते हैं कि चोरियाँ बंद हो, नशा सब बंद हो जाए। इसमें सब मिली जुली सरकार है, पुलिस का कंप्लेन करते कुछ एक्शन लेती नहीं है, दो दिन बाद होता है फिर बंद होकर फिर आप चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से पुलिस का भी इन्वॉल्व है, जिससे हम पुलिस को भी जगाना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत है, इसके हम लोग जो भी करना भूख हड़ताल करना जो भी आंदोलन हम लोग करेंगे।